सहनावतु सहनौभुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 191वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का छठा पाठ चल रहा है और हमने पिछली कक्षा में इसके द्वितीय अधिकरण 9वें सूत्र तक देखा था। पीछे एक चर्चा आई थी पृष्ठ संख्या 995, इसमें 52वें सूत्र के भाष्य में केचिदाहु करके जो कथन किया गया था उसकी संगति कैसे लगे। पीछे पूर्व पक्षी ने जो कहा कि राजन ने ही उसका पीछा करेंगे, उसके पीछे पीछे जाएंगे, अनुप्रसर्पण करेंगे। एक चम्मच राजन ने कहा है, राजन ने मतलब यजमान का, क्योंकि राजसूय यज्ञ में यजमान क्षत्रिय यानी राजा होता है, और 9 चम्मच ब्राह्मणों के हैं मतलब ऋत्विजों के हैं। तो उस राजन्य चम्मच के प्रति अनुप्रसर्पण किन का हो, चूंकि यहां वचन मिल रहा है शतम ब्राह्मणा सुमान भक्षयंती दश दश एकैकम चमसम अनुप्रसर्पन्ति, तो 100 ब्राह्मण और 1 पे 10 10, तो इससे प्रतीत होता है कि राजन्य चम्मच के प्रति अनुप्रसर्पण भी 10 ब्राह्मणों का होगा। इसमें संदेह इन्होंने कहा कि नहीं, राजन्य का ही होगा। तो पूर्व पक्षी का मत एकदम स्पष्ट है कि 10वां जो चम्मच है, राजन्य चम्मच है, यजमान का जो चम्मच है, उसके प्रति 10 संख्या वाले क्षत्रिय अनुप्रसर्पण करेंगे, जैसे अन्य चम्मचों में भी 10 10 करके 90 ब्राह्मण अनुप्रसर्पण करते हैं, वैसे ही यहां भी करेंगे। और उसने अपनी बात को रख दिया। और यहां जो शतम ब्राह्मणा है इसके अंदर इसको ये अनुवाद मान करके कह रहा है कि यहां पर यदि शतम ब्राह्मणा विधि होती तब तो 100 ब्राह्मण ही लिए जाते, पर यह अनुवाद है इसलिए यहां पर ब्राह्मण शब्द भूमा न्याय से ग्रहण किया जाएगा और उसमें 10 राजन्य भी होंगे तब भी ब्राह्मण ही प्रयोग किया जाएगा। विधि यहां पर यह मानते हैं दश दश एकम, ये जो दश दश एकम एकम लिखा है इसको विधि मानते हैं कि 10 के प्रति एक एक के प्रति 10 10, ये विधि हो गई और वो 100 ब्राह्मण जो है वो अनुवाद हो गया। तो ऐसे में पूर्व पक्षी का मत एकदम स्पष्ट है, एक राजन्य चम्मच के प्रति 10 राजन्यों का अनुप्रसर्पण होगा। अब जो केचिदाहु करके कहा गया है उसका अर्थ भी प्रथम दृष्टया बिल्कुल ठीक है कि ब्राह्मण राजन्यानाम एकस्मिन चमसे भक्षण विरुद्धते इति, ये तो विरोध हो जाएगा, एक ही चम्मच में ब्राह्मण और राजन्य करें तो भक्षण का विरोध होगा। अब ये जिस तरह से वाक्य रचना यहाँ क्रमशः दी गई है तो प्रथम दृष्टया हमारे मन में क्या आता है, ये जो केचित है ये पूर्व पक्षी का विरोधी है और इसीलिए पूर्व पक्षी ने कहा न स दोष है, ये तो कोई दोषी नहीं है और ये निवारण भी कर रहा है उसका, न ही सोमेन उच्छिष्टा भवंती। अब इससे हमें ये प्रतीत होने लगता है कि पूर्व पक्षी एक चम्मच के प्रति जो 10 अनुप्रसर्पण बता रहा है उसमें राजन्य और ब्राह्मण दोनों होंगे, तभी तो ये आक्षेप बने, नहीं तो प्रसंग ही नहीं बनता है। पर इसको ये जो केचिदाहु है इस वचन को पूर्व पक्षी का विरोधी वचन ना मान, इसका विरोधी वचन मान करके जो चर्चा चल रही है ऐसा नहीं करना, इसको पूर्व पक्षी के समर्थन में मानना है। कैसे समर्थन बनेगा, पूर्व पक्षी का पक्ष था कि उस चम्मच के प्रति 10 राजन्य जाएं, अगर 10 राजन्य नहीं जाते, 10 राजन्य 10 क्षत्रिय अनुप्रसर्पण नहीं करते तो क्या स्थिति बनती, एक राजा क्योंकि वो तो है ही यजमान है और 9 ब्राह्मण, ऐसा वहां पर होता। तो ये जो केचित करके जो कहने वाला है
वो समर्थन तो यही कर रहा है कि दसों के दसों राजा ही होने चाहिए, इसलिए उसने कहा कि ये एक और नौ का कोई संगति लगाने लगे, एक राजा और नौ ब्राह्मण ऐसी कोई संगति लगाने लगे तो वो ठीक नहीं है। कैसे? क्योंकि ब्राह्मण और राजन्यों का एक ही चम्मच में पक्षण तो विरुद्ध होता है, इसलिए यहां पर दस के दस क्षत्रिय ही होने चाहिए, ये निष्कर्ष निकाल रहा है वो। दस के दस क्षत्रिय होने चाहिए, उसके पीछे ये हेतु दे रहा है कि चित्त, ये हेतु दे रहा है कि दो एक साथ नहीं हो सकते, इसलिए केवल राजन्य ही होने चाहिए, ये समर्थन में बोल रहा है, लेकिन इसने हेतु अलग दे दिया। तो इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है न स दोषा, ये जो इस दोष के कारण आप अगर ये सोच रहे हो कि दस राजन्य जाएंगे तो ये तो कोई दोष ही नहीं होता है वहां पर, न स दोष है, क्योंकि नहीं सोमे ने उच्छिष्टा भवंती। अभी अभिभगम से है कि यदि ऐसा माना भी जाता एक राजा और नौ ब्राह्मण तो भी वहां दोष नहीं होता, तो इस तरह का दोष हो रहा है उच्छिष्टता का, इसलिए हम दस राजन्य को ले रहे हैं, ये कोई बात नहीं है, उच्छिष्टता को यहां पर हेतु नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से ये पक्ष में ही बोल रहा है, लेकिन हेतु इसका अलग था और वो हेतु गलत दिया गया था, इसलिए पूर्व पक्षी ने न स दोषा कह करके उस हेतु को काटा है, उसके पक्ष को नहीं काटा है, काटा है, इसलिए ये समर्थन के अंदर है, ऐसी संगति इसमें लगेगी। ठीक है। ओम आचार्य जी, मेरे को इसकी ऐसे संगति लग रही है कि ये कहना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण राजन्यानाम एकस्मिन चमसे भक्षणम विरुध्यते, तो यहाँ पर हम ऐसा सोच करके इसमें इस वाक्य की संगति नहीं लग रही है कि एक ही में ब्राह्मण और राजन्य कैसे जा सकते हैं, तो चूंकि वो संभव नहीं है तो ये वाक्य ही कैसे बना। परंतु अगर हम इसको ऐसे देखें कि एक पात्र में जब दस ब्राह्मण जा रहे हैं, नौ पात्र में दस दस ब्राह्मण जा रहे हैं और दसवें पात्र में क्षत्रिय जा रहे हैं, तो वो जब परस्पर आपस में एक दूसरे का पिया हुआ पी रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर उच्छिष्टता दोष प्राप्त होगा। तो उसका समाधान देने के लिए जो कि पहले भी आ चुका है उसी बात को यहाँ पर एक अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, उच्छिष्टा भवन ये भी कर सकते हैं। ये इसका मतलब हुआ, इनका जो अर्थ इन्होंने किया ब्राह्मण राजन्यानाम एकस्मिन चमसे, यहाँ मतलब हुआ अनेक ब्राह्मणों का एक पात्र में और अनेक राजन्यों का एक पात्र में, ये जो है ये विरुद्ध होता है, तो बोले ये तो कोई दोष नहीं है। लेकिन देखिए इसके ठीक है, वो अर्थ में तात्पर्य में कोई दोष नहीं है, उसमें लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ प्रसंग जो था ये तो पहले से विहित है ही, और ये तो पहले से ही पता है कि इसमें एक साथ अनेक भक्षण करते हैं उसमें दोष नहीं होता है, ये प्राप्त है। और यहाँ हमारी चर्चा का ये विषय नहीं है कि पूर्व पक्षी ये विधान कर रहा है, ये दोष कब होता है? जब ये दोष पूर्व पक्षी में ही आ रहा होता, सिद्धांति में नहीं आ रहा होता। अगर ये चर्चा होती कि इतने सौ जने हैं तो सब अलग अलग चम्मच लें या एक ही चम्मच में जाएं, ऐसा यदि प्रश्न होता तब जो के कहता कि नहीं सब एक साथ दस दस एक साथ जाएंगे तब उसमें दोष आता हुआ दिखता, तब ये विषय उठाया जा सकता था। लेकिन ये तो दोनों ही पक्ष हैं, एक एक में दस दस प्राप्त हो रहे हैं, इसमें जो दोष आए इसका निवारण करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ये तो दोनों ही पक्षों में जाएगा, इसलिए पूर्व पक्षी की दृष्टि से ये दोष नहीं बनेगा। पूर्व पक्षी की दृष्टि से ये कोई आक्षेप बनता हो ये कोई बात ही नहीं है। वैसे इसका अर्थ वो लिया जा सकता है जो बात आप कह रहे हो। जी आचार्य जी, इसमें चूंकि दोनों के ही पक्ष में ये बात है, लेकिन जब पूर्व पक्षी अपनी बात को प्रस्तुत कर रहा था तो उसके ऊपर अगर कोई आक्षेप करे कि ऐसा एक पात्र में दस ब्राह्मण पिएंगे तो वो उच्छिष्ट हो जाएगा, तो केवल उसका समाधान दिया इसने, इसलिए सिद्धांति ने भी इसका खंडन नहीं किया, क्योंकि वो सिद्धांति भी ऐसा ही मानता है, तो उसको केवल उस ठीक है लगा सकते हैं, ऐसी संगति लगानी है तो वो भी लग सकती है उस परिप्रेक्ष्य में। इसमें युधिष्ठिर जी ने जो लिखा है ना, ब्राह्मणों और राजन्यों का एक चम्मच में भक्षण विरुद्ध होता है। अब कोष्टक में क्या खोल रहे हैं, इस कारण राजन्य चम्मच के प्रति राजन्य अनुप्रसर्पण करें, अर्थात ये तो ब्राह्मण के मिश्रण को मान करके कह रहे हैं, पर एक संगति वो भी हो सकती है। इनका पक्ष ये है कि ये जो पंक्ति है इस पंक्ति की संगति लगा रहे हैं ये, और वो संगति उस तरह लग सकती है जो अर्थ का, कैसे इस पंक्ति का अर्थ क्या किया, ब्राह्मण राजन्यानाम एकस्मिन चमसे, ब्राह्मणों का और राजन्य का एक चम्मच में। अभी हम क्या अर्थ ले रहे थे, एक ही चम्मच है उसमें ब्राह्मण भी जाए और राजन्य भी जाए तो उच्छिष्टता का दोष है। अब ऐसा नहीं करना है, जब ये निश्चित हो गया कि नौ में ब्राह्मण ब्राह्मण जाएंगे दस दस, और एक में राजन्य राजन्य जाएंगे,
इस स्थिति में कोई आक्षेप करे कि भाई ये जो आप एक ही चम्मच में दस दस ब्राह्मणों को भेज रहे हो, एक ही चम्मच में दस दस राजन्यों को भेज रहे हो, तो यहां तो उच्छिष्टता का दोष आएगा। ब्राह्मण और राजन्य को मिश्रित नहीं कर रहे हैं अभी। ब्राह्मण ब्राह्मण होते हुए भी उच्छिष्टता हो सकती है, राजन्य राजन्य होते हुए भी उच्छिष्टता हो सकती है। उस दृष्टि से इसका समाधान ये, अगर कोई ऐसा कहे तो केचिदाहु कि ब्राह्मण राजन्यानाम एकस्मिन चमसे, ब्राह्मणों का एक में और राजन्यों का एक में जो भक्षण है वो विरुद्ध होगा, तो कहते न दोषः नहीं सोमे न उच्छिष्टा भवंती। ये प्रश्न दस दस के ऊपर आ रहा है, एक में दस दस पे आ रहा है, राजन्य और ब्राह्मण की बात न मिला करके करना है, इस तरह से इन्होंने व्याख्या की। तो पंक्तिकार तक उस तरह देखा जा सकता है, ब्राह्मण राजन्य शब्द आवश्यकता है एकस्मिन दस दस नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन अगर किसी ने ब्राह्मण और राजन्य लिख दिया तो कौन सी आपत्ति है। ये कोई निर्णायक तत्व नहीं होगा कि भाई यहां दो अलग अलग लिखें। देखो पहले वाला जो अर्थ है वो तो मैं सहमत हूं ही ना, आप जो कह रहे हो युधिष्ठिर जी ने भी किया है और उसी तरह से संगति लेनी चाहिए, वो तो मैं बोल ही चुका हूं उनको। लेकिन आप पूछ रहे थे कि ये क्या कहना चाहते हैं, तो वो पक्ष भी अगर ले तो वो कोई बहुत खिंचतानी नहीं है इसमें कि भाई ये अर्थ लेने में बहुत अटपटा लग रहा हो, वो अर्थ भी लिया जा सकता है। और अगर उसमें सहजता है और ये सब अपने को जोड़ तोड़ नहीं करनी पड़ रही है, उसमें सरलता तो है, ये जरूर है कि आप कहोगे इस पंक्ति से ये अर्थ ही नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर वो अर्थ हम ले लेते हैं तो उस दृष्टि से तो सरलता है, चला सकते हैं, नहीं उस तरह भी अर्थ किया जा सकता है, ये कह रहा हूं। हाँ रमन जी, इस प्रसंग को हम एक और दृष्टि से देख सकते हैं। जैसे पूर्व पक्ष ने समाधान किया, उसके जगह वो दिखा रहा है कि अगर दूसरा व्यक्ति इस प्रकार का समाधान करे उस विषय को लेकर, जैसे प्रश्न है किमतम राजन्या अनुपसर्पेयुः उत ब्राह्मणा इति, इसका समाधान अगर दूसरा कोई यूं करे कि ब्राह्मण राजन्य एक चम्मच में भक्षण विरोध होता है, इस कारण एक चम्मच में केवल राजन्य ही जाएंगे, तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि ऐसा आपका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि सोम उच्छिष्ट होगा ही नहीं, तो राजन्य और ब्राह्मण एक में जा सकते हैं, इसलिए जो मैंने ऐसा अर्थ किया कि दस दस के प्रत्येक एक जाएंगे, ये अर्थ ठीक। अच्छा, मैंने जो समाधान बताया था वो आपने समझा था क्या? मैंने एक समाधान दिया था ना पहले, अब वही तो बोल रहे हो। थोड़ा संतरित नहीं, नहीं थोड़ा संतर नहीं है, मैंने सीधा वहां जोड़ा है। नहीं, आप वहां से जोड़ा उससे कोई बात नहीं है, लेकिन इस पंक्ति का जो अर्थ आपने लिया वो का वही लिया है, वही तो मैंने बोला था पिछली बार जब पढ़ाया था तब यही अर्थ बताया था, और इसीलिए क्योंकि ये इसमें मैंने लिख भी रखा था इस समर्थन और विरोध, मैं बोल भी रहा था आपको कि ये समर्थन में है, अभी मैंने पिछला वाला सुना तो वहां ये समाधान इस तरह से इसको किया गया कि इसको पक्ष में लेते हुए करेंगे, नहीं तो बड़ा विचित्र लग रहा है ये, तो इसकी संगति अटपटी लग रही है ना। हाँ, आप जो शुरू से संगति जोड़ रहे हो ना, तम राजन्य अनुप्रसर्पयेयुः अनुप्रसर्पयेयुः, और ये जो सारा है उसके साथ इसको तो जोड़ रहे हो, वो तो कोई संगति नहीं लग रही है उस स्थिति में भी लग रही है। अगर कोई इस प्रकार समाधान करके केवल राजन्य को करे, हाँ, तो वो समाधान उपयुक्त नहीं है, पूर्व पक्ष बता रहा है, क्योंकि सोम के अंदर तो उच्छिष्टता होती नहीं है, तो इसलिए एक चम्मच में भी ब्राह्मण राजन्य हो सकता। तो एक ही बात है ना, आप इसका समाधान जो केचिदाहु, बिल्कुल यही तो बात कही गई, आपने पंक्ति के साथ जोड़ करके बोल दिया, मैं बिना पंक्ति से जोड़ के बोले, प्रसंग तो सारा वही है। इस समस्या का समाधान कि इसको साथ में ये जोड़ना पड़ेगा, इसमें ज्यादा स्पष्ट था कि ये जो दसवां चम्मच है, क्योंकि इसमें राजन्य क्षत्रिय तो एक ही है राजा, तो एक राजा हो जाएगा और नौ ब्राह्मण हो जाएंगे, ऐसा समाधान ठीक नहीं है, कोई ऐसा करने लगे तो ये समाधान ठीक नहीं है, क्योंकि नहीं तो ब्राह्मण और राजन्य में उच्छिष्ट हो जाएगा, ब्राह्मण राजन्य में उच्छिष्ट होगा, ऐसा करके कोई समाधान करने लगे कि इस दसवें में दस राजा क्षत्रिय ही होंगे, उसका ये पूर्व पक्षी निषेध कर रहा है कि नहीं, ये कोई हेतु नहीं बनता है, समर्थन तो ये भी कर रहा है कि दस क्षत्रिय होने चाहिए इसमें, पर हेतु गलत दे दिया, उसका समाधान कर रहे हैं, भाई ये हेतु नहीं है, दूसरा हेतु होगा। हाँ, इसमें सीधा वहां से जो ना एक लाभ है, क्योंकि पूर्व पक्षी जब लिख रहा था ऐसा तो नहीं कि किसने कहा होगा, तो इसलिए पूर्व पक्षी उसका समाधान करेगा, ऐसा हो सकता है जैसे मैं कह रहा हूं कि सीधा प्रसंग कोई समाधान मिल रहा हो, इसलिए पूर्व पक्षी ने अपना समाधान किया, उसके पश्चात दूसरे ने समाधान किया था उसका खंडन किया। हाँ, तो दूसरे ने भी वही तो बात है केचिताहु से, दूसरा जना भी इसी का समाधान कर रहा है,
वो समाधान ठीक नहीं है। निर्णय ठीक होते हुए भी हेतु गलत है। इस प्रकार युधिष्ठिर महाशय जो लिखे वो भी ऐसा ही लगता है, उन्होंने भी ऐसा ही देखा होगा, इस कारण राजा ने जमस के प्रति राजा ने अनुपसर्पण करे। नहीं नहीं ये तो क्या निष्कर्ष में तो ठीक है, निष्कर्ष में ठीक है, इसमें क्या है? इस कारण राजन ने चमस नहीं, ब्राह्मणों और राजन्यों का एक चमस में भक्षण विरुद्ध होता है, ठीक है, इस कारण राजन ने चमस के प्रति राजन ने अनुप्रसर्पण करें, ठीक है, लेकिन ये जो वचन है ना ब्राह्मणों और राजन्यों का एक चमस में भक्षण विरुद्ध होता है, हम इसको क्या पूर्व पक्षी की दृष्टि से लेकर के कर रहे थे कि पूर्व पक्षी का ये खंडन कर रहा है, पूर्व पक्षी का अगर हम ये समझ लेते हैं, क्योंकि पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है आगे न स दोष, इसलिए हम ये समझ रहे हैं कि पूर्व पक्षी के निष्कर्ष का खंडन कर रहा है, खंडन करने के लिए लिख रहा है, तो ये वाक्य समझ में नहीं आएगा। पूर्व पक्षी के ही निष्कर्ष को कहने के लिए ये केचित बोल रहे हैं, पर हेतु अलग है, उस हेतु का निषेध पूर्व पक्षी ने किया है, तो नीचे वाली पंक्ति भी युधिष्ठिर जी की भी संगत है, ठीक बात है। तो पिछले पाठ में से और कुछ किसी को पूछना है तो इस विषय में ही कहना है क्या, ये जो अभी चल रहा है, बोलिए। ओम आचार्य जी, जिस प्रकार आपने अर्थ किया कि पूर्व पक्ष के पक्ष में कि केचित आहुः इस समर्थन में, तो एक राजा होगा और 9 ब्राह्मण होंगे, और वहां यदि झूठा हो जाए तो वह दोष नहीं है, क्योंकि सोम के द्वारा उच्चिष्ट नहीं माना जाता। नहीं, दोष नहीं है, ऐसा नहीं है, दोष नहीं है, ये तो पूर्व पक्षी कह रहा है, केचित नहीं कह रहे हैं, केचित तो ये मान रहा है कि वहां पर दोष होगा, एक राजा और 9 ब्राह्मण होंगे तो उच्चिष्टता का दोष आएगा, इसलिए एक चम्मच में 10वें चम्मच में केवल राजन्य होंगे जी। हाँ। इसी विषय में मैं रखता था ना आचार्य जी कि यहां जो पंक्ति है ब्राह्मण राजन्यानाम एकस्मिश चमसे भक्षण, तो अगर यदि उस पक्ष में एक राजा 9 ब्राह्मण होते तो राजन्य इस शब्द में बहुवचन का कथन ही नहीं होता, ये मेरे ब्राह्मण राजन्यानाम कहा है ना जो, तो एक राजा और 9 ब्राह्मण के पक्ष में राजन्य का राजन्य शब्द में बहुवचन नहीं, नहीं ये देखो आप ये जो बहुवचन आप ले रहे हो इसको राजन्य के साथ क्यों जोड़ रहे हो आप, ये तो समस्त पद है ना, ब्राह्मण और राजन्य, तो 9 ब्राह्मण और एक राजा, 10 होकर के ब्राह्मण राजन्य नाम, ये तो समस्त पद है। और दिलीप जी जो आपने बात कही थी ये तो बस स्पष्ट हो गए ना, ये बहुवचन वाली कोई बात नहीं है इसमें, ये तो एक निकल सकता है, दोनों आप जो कह रहे हो वो भी निकल सकता है कि अनेक राजा हो, एक भी निकल सकता है, प्रसंग से देखा जाएगा, कुल मिलाकर के वहां 2 होंगे, ये एक और 9 मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि क्षत्रिय वहां पर केवल एक ही है और कोई नहीं है यजमान के रूप में, और ये जो है ना ब्राह्मण राजन्य नाम एकस्मिन चमसे, अब यहां पर जो दिलीप जी आप अर्थ ले रहे थे उसमें ये चूंकि समस्त बना करके लिखा हुआ है, एक होता है ब्राह्मणों का चमसों के प्रति और राजन्यों का चमस के प्रति, उस पक्ष में अलग अलग कथन ज्यादा ठीक है कि ब्राह्मणों का एक चमस में राजन्यों का एक चमस में, और उसकी जगह फिर स्वामी जी वाली बात आएगी कि ब्राह्मण और राजन्य कहने की भी जरूरत नहीं थी, अनेकों का एक चमस में भक्षण उच्चिष्ट दोष से होगा, ये प्रसंग आएगा, लेकिन अन्य जो 9 चम्मच हैं उसमें ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, उस पर तो आक्षेप की कोई बात ही नहीं है, वो प्रसंग ही नहीं है, ये तो केवल एक ही चम्मच के ऊपर बात है, और उस स्थिति में चूंकि ये समस्त पद है ब्राह्मण और राजन्य, इसलिए एक ही चम्मच में दोनों की प्राप्ति हमें किसी तरह देखनी है। ओ आचार्य जी, जब समास होता है समाहार द्वंद्व समास होता है दोनों का, तो उसमें भी प्रत्येक क्रिया के साथ में अलग अलग संबंध होता है, जैसे पहले भी उदाहरण आया था यज्ञदत्त विष्णु मित्र आदि को भोजन कराओ, तो उसके लिए एक समस्त पद बोला गया यज्ञदत्त देवदत्त विष्णु मित्रा भोज्यंताम, तो वहां पर भोज्यंताम क्रिया प्रत्येक के साथ में लगती है, न कि एक एक के साथ में, मतलब समुदित के साथ में नहीं लगती, उसी प्रकार से यहाँ पर भी समाहार मतलब द्वंद्व समास होने पर भी प्रत्येक के साथ में भी लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं, पर उस भाव के लिए अलग अलग कथन होता है, जैसे यज्ञदत्त विष्णु मित्र आदि के जो अनेक नाम करके भोज्यंताम कहा, तो भोज्यंताम सबके साथ भोज्यंताम
ना लग करके, एक एक के साथ में भुज धातु का प्रयोग केवल हो रहा है, इतना हम कहेंगे। के साथ में क्रिया घटती है, प्रत्येक के साथ में क्रिया जुड़ती है, तो क्रिया तो यहां भी प्रत्येक के साथ में ही जुड़ रही है। भक्षण जो है जी, वो एक के सबके साथ में जुड़ रहा है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, भक्षण तो सभी कर रहे हैं। एकस्मिन चमसे, इनका एक चम्मच में, तो इन सबको एक चम्मच में लेना होगा मिल करके। भक्षण सबका प्राप्त है, कोई बात नहीं है, क्रिया का संबंध की बात नहीं कह रहा हूं। ब्राह्मण राज्य अन्यानाम एकस्मिन चमसे, तो एक ही चम्मच में ब्राह्मण और राजा दोनों मिल करके जाने चाहिए। जो एक वो अपर्थ था कि एक चम्मच में ब्राह्मण ही ब्राह्मण, दूसरे चम्मच में राजन ही राजन, उसकी अपेक्षा ये ज्यादा अर्थ उसमें समास के कारण से, दोनों मिलकर के एक चम्मच में जा रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं जी। जैसे वो मैंने पहले वाक्य बोला कि उस वाक्य में तीन वाक्य बनते हैं, उसको हमने समास करके एक ही रूप में बोला है, अगर हम उसको खोल के बोलेंगे तो देवदत्ता आदि नाम से अलग अलग वाक्य बनेंगे। हाँ। इसी प्रकार से जब अगर यहाँ पर हम समास को खोलेंगे तो उस स्थिति में यहाँ पर भी दो वाक्य बनेंगे, एक तो हो जाएगा ब्राह्मणानाम एकस्मिन चमसे भक्षणम विरुध्यते, और दूसरा होगा राजन्यानाम एकस्मिन चमसे भक्षणम विरुध्यते, उसको सम्मुदित करके यहाँ पर एक वाक्य में बोला गया है। वो उस तरह से वाक्य में नहीं संगत रहता है, क्रिया की दृष्टि से तो आप कह सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी क्रिया ही है ना, भक्षणम न विरुध्यते, इस क्रिया के साथ में जोड़ना है, इसके साथ में है। इसकी दृष्टि से भक्षण तो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों से जुड़ेगा, ठीक है, उसमें कोई बात नहीं है, लेकिन इसको आप इस तरह करके वाक्य भेद नहीं करेंगे। यहाँ पर एकस्मिन चमसे जो ये कथन किया गया है, ब्राह्मण राजन्यानाम एकस्मिन चमसे, तो अब एक ही चम्मच में ये दोनों प्राप्त होते हुए दिखने चाहिए। आप जिस तरह से कह रहे हो उसमें ब्राह्मण अलग चम्मच में प्राप्त हो रहे हैं, राजन्य अलग चम्मच में प्राप्त हो रहे हैं, यहां हमारे को एक ही चम्मच में ब्राह्मण और राजन्य दोनों की प्राप्ति होनी चाहिए, ये इसकी प्रबलता मैं बता रहा हूं। नहीं, समाहार नहीं है यहाँ पर ब्राह्मण और राजन्यों का, यहाँ पर इतर समाहार नहीं है, इतर इतर में तो वाक्य भेद होता ही है। नहीं, फिर भी जो समास किया गया उसको सबके साथ में, उसको एक, इनको इनको ये रोटी बांटो, रोटी बांटो, एक ही रोटी है, ठीक है, बांटो तो बांटना तो सबको है, लेकिन उसे एक ही रोटी में से बटेंगे वो। ये जो एकस्मिन चमसे विशेष कथन किया गया है, उस एक से तो जोड़ना ही पड़ेगा दोनों को, वहां आप भेद नहीं कर सकते, जोड़ सब रहे हैं, भक्षण सब करेंगे, लेकिन चम्मच तो एक ही है, तो उस दृष्टि से उसकी प्रबलता है। वैसे भी जो मैं प्रसंग से बता रहा था कि उसमें बजाय इसके वाक्य की रचना में अधिक संगत यही प्रतीत हो रहा है कि एक चम्मच में ही ब्राह्मण और राजन्य की संभावना हम देखेंगे, और तभी उच्छिष्टता का दोष आएगा। ब्राह्मण ब्राह्मण की उच्छिष्टता नहीं कहना चाह रहे हैं, और ना ही राजन्य राजन्य की उच्छिष्टता कहना चाह रहे हैं, जो राजन्य के द्वारा किया गया है उसमें ब्राह्मण नहीं ले सकता, इस दृष्टि से यह कहा गया है, ठीक है। बाकी तो काफी विवेचना हो गई है, फिर भी जैसा भी उसमें अधिक संगत लगता है वो स्वीकार कर सकते हैं। और वैसे ही दिलीप जी कह रहे थे जो उदाहरण रूप में, यहां उदाहरण उस तरह का घटेगा नहीं, क्योंकि वहां साक्षात प्रथमा विभक्ति है, विष्णु मित्र देवदत्त यज्ञ दत्ता भोजन दम, यहां जो संबंध है तो एकस्मिन चमस के साथ ही भक्षण का विरोध देखा जाता है, विधान होता है, यहां संबंध कारक में है, वहां प्रथमा में तो एक साथ जुड़ते हैं, ठीक बात है। ब्राह्मण राजन्यानाम इसमें संबंध बताया जा रहा है, संबंध षष्ठी, संत षष्ठी विभक्ति, हाँ ठीक है। आचार्य वर्य, अत्र ब्राह्मणा तो सोमपानम करिष्यन्ति, हाँ सोमपानम, हाँ सोमपानम, परंतु राजन्या तो सोमपानम न कुर्वन्ति, हाँ ये तो निग्रध भिस्तीनाम पानम करिष्यन्ति, तत्र तो उच्छिष्ट भविष्यति एव, ब्राह्मणानाम तो उच्छिष्ट न भविष्यति, मतलब राजन्य राजन्य में उच्छिष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं, यहाँ पर सोम का ही करते हैं वो, ये जो प्रसंग है इसमें मैंने और वार्तिक आदि देखे थे उसमें सोम का ही है, नग्रोध स्थिति का, ये जो नीचे लिखा हुआ है ना युधिष्ठिर जी का, ये जो नीचे लिखा है ना टिप्पणी विवरण में, इन्होंने क्या लिखा है, ये लिखा ना, न ही सोमे न उच्छिष्टा भवंती, इसको शीर्षक को देखे जाए, इस विषय में यह विचारणीय है कि राजन्य को सोम के स्थान में निग्रोध की स्थितियां पीसकर दी जाती हैं, उनके सोम रूप न होने से उच्छिष्टत्व दोष होगा,
उच्चिष्टता होने पर ब्राह्मण और राजन्य एक पात्र में भक्षण नहीं कर सकते, ठीक है, एक पात्र में भक्षण नहीं कर सकते। इसका समाधान यह है कि सोम के स्थान में नेक्रोध स्थिति का विधान होने से स्थानापत्या उसमें सोम धर्म की प्राप्ति होगी, ठीक है, वो एक पक्ष हो गया कि सोम के धर्म इसमें भी प्राप्त हो गए, यानी यह भी उच्चिष्ट नहीं होगा उस रूप में। यह बात मीमांसा सूत्र, बात सूत्रकार मीमांसा 3666 में कहेंगे, ये 1033वें पृष्ठ पर आएगा। लेकिन ये पूर्व पक्ष है, वहां पर देखिए आप इसको, इसमें है कि आहुति किसकी होगी, फिर उसकी होगी, ये देखिए पृष्ठ 1033। इसमें यह है कि इसमें संदेह क्या है, ये सोम के धर्म है तो तथा संदेह किम समान विधान एते धर्मा सोमस्य फलचमस्य च उत सोम धर्मा, तो फलचमस्य से तु तद विकारत्वाद इति, इसमें देखो शीर्षक क्या है, मानोपावहरणादीनाम सोम मात्र धर्मांगता अधिकरणम। इसमें यह होता है कि सोम के जो धर्म है वो केवल सोम के ही होंगे, वो फल चमस को प्राप्त नहीं होंगे, फल चमस को प्राप्त नहीं होंगे। पूर्व पक्षी का क्या कहना है, फल चमसस्य, फल चमस के प्राप्त होंगे, क्यों, तद्विकारत्वादिति, ये फल चमस सोम का विकार है, सोम भक्ष का विकार है ये, और गुण कामानां प्रवृत्तिर अप्रवृत्तिर वा प्रयोजनम अधिकरण चिंतायाः। ये पूर्व पक्ष है, सिद्धांति ये नहीं कहता कि सोम के धर्म यहां पर आ जाएंगे, सिद्धांति ये सिद्ध नहीं कर रहा है, सिद्धांति कह रहा है कि सोम के धर्म फल चमस में नहीं आएंगे। तो इन्होंने जो जिस ढंग से प्रस्तुत किया है युधिष्ठिर जी ने, वो बात ये जो इस अधिकरण को लेकर के कही कि वो धर्म इसमें आ जाएंगे, वो वहां नहीं है, वो धर्म वहां पर नहीं आएंगे, तो मान भी लिया जाए एक एक उसमें। पर जो ये समाधान किया ना, न स दोष न ही सोमे न उच्चिष्टा भवंती, दो ही पक्ष हो सकते हैं, या तो इसमें नेक्रोध स्थिति भी ना मान करके सोम ही मानेंगे, ठीक है, सोम ही मानेंगे, और नेक्रोध स्थिति भी लिया है तो वहां पर उसके या तो हमें धर्म मानने पड़ेंगे, जैसा युधिष्ठिर जी लिख रहे हैं कि उच्चिष्टत्व तो वहां प्राप्त नहीं है, उच्चिष्ट नहीं होगा, या तो सोम मानेंगे या तो नेग्रोध में उच्चिष्टता का अभाव मानेंगे, दोनों में से कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और कुछ किसी को पूछना है, हाँ वरुण जी। ओम, पृष्ठ संख्या 1004, हाँ, ऊपर से दूसरी पंक्ति, हाँ, न च असौ प्रकरणादि नाम अभावात्, यहां प्रकरण आदि नाम, आदि से क्या क्या लिया, वैसे तो प्रकरण का ही है, अनेक प्रकरण होते हैं, इस दृष्टि से यह है, आदि का तो और कुछ नहीं कह सकते, तो प्रकरण एक तो प्रकरण होता है, एक प्रकरण में भी एक किसी विषय विशेष को देख सकते हैं, एक तो प्रकरण पूरा चल रहा है, मान लो ज्योतिषोम का प्रकरण है, और उस पूरे प्रकरण में भी जो छोटे छोटे भाग होते हैं याग इष्टिया उससे संबंधित हो, तो वो सीधे पूरे प्रकरण में न लग करके, किसी सीधे प्रकरण में न आके उससे संबद्ध कहीं बीच में आया हुआ है, आदि से या तो उसको यानी उप प्रकरण की दृष्टि से कह सकते हैं, लेकिन होंगे तो प्रकरण ही, वो आदि से उप प्रकरण, और तो कुछ मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, हाँ उप प्रकरण या अवान्तर प्रकरण कह लें, लेकिन हुए तो प्रकरण ही वो, ठीक है। और इसी पंक्ति में आगे का, प्रवर्तमानोपि वैकृतेन यागेन संबद्धेत, यानी इस विकृति याग से यह संबद्ध नहीं होगा, और यहां हेतु दिया था प्रकरण आदि नाम अभावत, हाँ, ये बात स्पष्ट करने के बाद भी अगली पंक्ति में पुनः हेतु दे रहे हैं, तस्मात वैकृतेन कर्मणा अनारभ्य विधि संबद्धते, तो इसी बात को ही दोबारा कहना चाह रहे हैं यहां पर,
उसी बात को कह रहे हैं, पुनरुक्ति दोष नहीं हो जाएगा एक ही बात को दो पंक्तियों में। होता है कई बार इस तरह से, न चासो प्रकरणादीनाम अभावात प्रवर्तमानोपि वैकृते न यागे न संबद्धते। ये एक सिद्धांत हो, चूंकि वो होता नहीं है इसलिए अब ये सिद्धांत रूप में कथन कर रहे हैं, उसी प्रतिज्ञा का कथन दोबारा कर रहे हैं। वैकृते न कर्मणा न अनारभ्य विधि संबद्धते न तस्य वैकृते से, ठीक है लगभग बात तो वही है, पर कथन होता है जैसे पंचावयव में भी जब हम निगमन करते हैं तो प्रतिज्ञा का और हेतु का कथन पूर्वक भी कर देते हैं, चूंकि ये ऐसा ऐसा है इसलिए हेतु पूर्वक प्रतिज्ञा का पुनर्कथन करते हैं वहां पर, तो स्पष्टता के लिए केवल मान सकते हैं इसको। हाँ, इसी पंक्ति में ही जो एक ये शब्द पड़ा है प्रवर्तमानोपि, हाँ ये प्रवृत्त होता हुआ भी, जब ये इसमें प्रवृत्त हो गया तब भी क्या ये प्रकरण से बाहर कहा जाएगा? नहीं नहीं, ऐसा है कि ये कथन कहा गया तो प्रवृत्त तो होगा, कहीं ना कहीं तो घटेगा, कहीं ना कहीं तो लगाना पड़ेगा, तो वही बस उसकी प्रवृत्ति है। जब चरितार्थ तो होगा वो कहीं ना कहीं, तो प्रवृत्त होता हुआ भी चूंकि प्रकरण का अभाव है इसलिए वो वैकृत याग से संबद्ध नहीं होगा। प्रवृत्त होने पर भी संबद्ध नहीं, नहीं होगा, प्रवृत्त तो होना ही पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं तो लगना चाह रहा है वो। बोलो पृष्ठ संख्या 1001, हाँ ऊपर से चौथी पंक्ति, असती चौदह के अनारभ्य विधिरपि नास्ति, तो यहां पर ये चौदह वचन के न होने पर अनारभ्य विधि का निषेध कैसे कर रहे हैं? हाँ, असती चौदह के अनारभ्य विधिरपि नास्ति, देखो चौदह वचन से तो पात्र की प्राप्ति हो रही है, क्योंकि प्रकृति में पात्र कहा गया था वो यहां पर सुरुआ जुहू प्राप्त हो रहा है, और अनारभ्य विधि से काष्ठ का यानी उसका पात्र का धर्म आ रहा है कि ये काष्ठ होना चाहिए, तो यदि पात्र ही नहीं प्राप्त है तो काष्ठ का कथन धर्म का कथन कैसे होगा? रोटी बननी है फिर कह रहे हैं कि गेहूं की बननी है, बाजरे की बननी है, अगर रोटी ही नहीं प्राप्त है तो फिर बाजरा और गेहूं कहने का कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे तो पहले तो चोदक प्राप्त होगा, चोदक नहीं है यानी पात्र की प्राप्ति नहीं है तो अनारभ्य विधि भी नहीं है, उसका धर्म कथन का कोई मतलब नहीं है। अनारभ्य विधि तो पहले प्राप्त हो जाएगी क्योंकि विकृति और प्रकृति दोनों चली जाएगी। नहीं नहीं, देखो अनारभ्य विधि का वचन जहां शास्त्र में कहा गया, पहले प्रकृति बता दी, विकृति भी बता दी और बीच में कहीं अनारभ्य विधि बता दी, तो उससे पहले विकृति में प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य तो प्राप्त हो ही गई है, अगर वो प्राप्त नहीं हो तो अनारभ्य विधि नहीं आएगी। आप कह रहे हो कि अनारभ्य विधि पहले ही प्रकृति में और विकृति में चली गई, तो चली भी गई विकृति में तो विकृति में लगेगी कहां पर? वो पात्र का तो विधान किया नहीं जा रहा है, उसके धर्म काष्ठ विशेष का विधान किया जा रहा है, तो लगेगा कहां पर? वो लगेगा कहां? वो कह कि मक्के का बना लो, क्या बना लो मक्के का? रोटी बनाए, उसका दलिया बनाए, उसके ढोकले बनाए, क्या बनाए? कुछ प्राप्ति ही नहीं है, तो पहले प्राप्ति होगी पात्र की, ये बात है। हाँ, यहाँ पर जो अनारभ्य विधि है तो इसको छोड़कर ये जो चौदक वचन है दोनों का क्षेत्र अलग माना जाएगा इस पूर्व पक्षी की दृष्टि में? पूर्व पक्षी कह रहा है कि अनारभ्य विधि जहाँ पर जिस विषय में प्राप्त हो रही है वहाँ चौदक वचन प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सिद्धांति ने यह कहा था कि यदि अनारभ्य विधि से काष्ठ धर्म विकृति में प्राप्त हो रहा है वो प्रकृति में भी गया और प्रकृति में गया और वहां से प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य से विकृति में भी आ रहा है, तो विकृति में दो जगह से प्राप्त हो रहा है तो ये दोष आएगा दो बाल। तो कह रहा है कि नहीं, ये बस विकृति में आएगा प्रकृति से, और इसके अंदर जो है कि जो चोदक का दो दो प्राप्ति दिखा रहे थे उसका दोष ऐसे निवारण हट कर रहा है पूर्व पक्षी कि अनारभ्यतीत विधि जो आ रही है उसको चोदक वचन नहीं लाएगा, उसको छोड़ करके बाकी जो प्रकृति में चीजें हैं वो विकृति में आएंगी, बस उसी पे लागू होगा, इस पे लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा तो दो दो बार का कथन का दोष नहीं आएगा, दो बार प्राप्ति नहीं हो रही। हाँ, सामान्य जो नियम होता है जैसे व्याकरण में करते हैं विशेष को छोड़ करके यानी अपवाद को छोड़ करके और सामान्य नियम, विशेष को छोड़ करके सामान्य नियम लगता है, विधि लगती है, उस तरह से कुछ कह रहा है। दूसरा प्रश्न है, हाँ संख्या 1001 पर छठा सूत्र है, उत्पत्ति रीति चेत,
हाँ ये पूर्व पक्षी ने कहा है सिद्धांति की तरफ से। हाँ मतलब अगर सिद्धांति ऐसा दोष दे तो अभिगम से। हाँ तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो विस्तार और संक्षेप से जो कहा था इन्होंने कि विस्तार और संक्षेप से हाँ। जो प्रकृति में जो अंगानी है विस्तार और संक्षेप से जो कह रहे हैं हाँ। इसी प्रकार जो अनारभ्य विधि है इसको माने हम जैसे यहाँ पर संक्षेप और विस्तार से कह रहे हैं प्रकृति में जो अंग हाँ। अनारभ्य विधि में भी संक्षेप और विस्तार है और ये संक्षेप विस्तार चूंकि प्रकृति में देखा जाता है इसलिए अनारभ्य विधि अनारभ्य वचन प्रकृति में जाएंगे। साम्यता की दृष्टि से ये बात अगर रखी जाए तो उसका खंडन कर दिया। ये तो समानता समानता है, इससे ये थोड़ा कहा गया कि अनारभ्य विधि प्रकृति में जाए, समानता है। और ऐसी समानता तो विकृति में भी देखी जाती है, विकृति में भी सामान्य संक्षिप्त और विशिष्ट विस्तृत वर्णन देखा जाता है। तो ये तो कोई हेतु नहीं हुआ। आचार्य महोदय अस्य प्रकरणस्य किं प्रयोजनम् अस्ति यदि अनारभ्य विधि विकृतो अपि गच्छेत् अन्यच्च प्रकृतो अपि गच्छेत् अन्यच्च चोदक वचनेन केवलम् अनारभ्य विधिना यत् प्रापितं तत् अतिरिच्य अन्यद् यद् वर्तते प्रकृतौ तद् विकृतौ अतिदिश्यते चेत् अस्य प्रकरणस्य आरम्भस्य किं फलं भवति। नहीं ये तो निष्कर्ष निकाला जाएगा ना, और ये बात पूर्व पक्षी रख रहा है। हाँ पूर्व पक्षी यह पक्षो अस्ति ये पूर्व पक्षी रख रहा है। तो सिद्धांति की तो कोई बात है नहीं इसके अंदर, सिद्धांति तो इसको प्रकृति में ही ले जा रहा है। नहीं तस्य किं प्रयोजनम् प्रकृतो एव नयने किं प्रयोजनम् अस्ति यदि विकृतो अपि नीयते चेत्। यदि विकृति में भी आ जाए तो क्या दोष आएगा, वो तो सिद्धांति ने बताया ना। दोष नहीं बताया उसमें, तो दोष बताया ना कि दो दो हो जाएगा। नहीं द्विरुक्ति का तो समाधान दिया पूर्व पक्षी ने, की पूर्व पक्षी ने समाधान दिया, पूर्व पक्षी ने समाधान दिया, पर उसमें फिर सिद्धांति ने आगे भी तो कहा ना कि चोदक वचन जो है वो तो सबको लेकर के आएगा, चोदक वचन सबको लेकर के आएगा, प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए। देखिए वैसे तो सीधे सीधे नहीं, कहीं किन्हीं स्थलों पे अभी इससे संबंधित और अधिकरण आएंगे ना, इसके अपवाद स्वरूप स्थान, इसमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या करना चाहिए, तो उन अपवादों में आपको विशेषता दिखाई देगी। अगर वो उसके लिए एक सामान्य विधि भी बनानी पड़ेगी इनको कि सामान्यतया ये होता है, उसके लिए कथन है। नहीं यथा विकृतौ यानी अंगानी उपदिश्यन्ते तानि यदि प्रकृति प्रकृतौ अपि सन्ति चेत् चोदक वचनेन तानि न प्राप्यन्ते यतो हि विकृतौ वर्तन्ते चेत् तथैव यदा अनारभ्य धीत विधिना यदि तत्र किञ्चित् अंगम आगतं तर्हि चोदक वचनेन तत् न आगमिष्यति इति। तो ये तो पूर्व पक्षी कह ही रहा है, ये हेतु तो पूर्व पक्षी का यही तो है, आ सकते हैं सामान्य रूप से, कोई बात नहीं है और ऐसे हम कर लेंगे, लेकिन उनको ये यहां नहीं ले रहे हैं इसमें, इस यहां आपने को विशेष प्रयोजन नहीं दिख रहा है। आगे के कुछ अधिकरण देखेंगे ना जहां इसके अपवाद हैं, वहां पर दोनों जगह लेंगे तो दोष आएंगे। यहां तो ये एक सामान्य चर्चा की गई है, यहां कोई अंतर नहीं पड़ रहा है इसके अंदर, यानी हम पात्र की जो का धर्म जो ले रहे हैं इसमें कोई अंतर नहीं पड़ रहा है दोनों जगह, आगे के उदाहरणों में अंतर पड़ेगा। ये सामान्य उदाहरण लेकर के सामान्य कथन किया गया ऐसा समझना चाहिए। पृष्ठ संख्या 98 998 अधस्तात् द्वितीय पंक्ति मध्यतः असंभव इति ब्रूमः। तो असंभव कथम भविष्यति द्विरिक्ति भूते असंभव कथम। हाँ तो दो बोले दो हो ही नहीं सकते, दो आ ही नहीं सकते, दो आ ही नहीं सकते, जहां आवश्यकता होगी वहीं तो आएंगे, जहां आवश्यकता होगी वहीं तो आएंगे, उसी को ही आगे कह रहे हैं। देखो यदि प्रकृतौ विकृतौ च भवति अस्ति तत् प्रकृतौ, प्रकृति में है ही वो, प्रकृतौ चेद अस्ति चोदके नैव विकृति प्राप्नोति, तो दोनों जगह की आवश्यकता ही नहीं है, आवश्यकता नास्ति वक्तव्य असंभव। अच्छा ये बताओ, ये बताओ कि ये जो असंभव का देखो ये जो कह रहे हैं वो तो यही इतना ही है और असंभव इस रूप में आप देखिए कि जो अनारभ्यादीत विधि है वो पहले कहां जाएगी, पहले प्रकृति में जाएगी या विकृति में जाएगी? तो विकृति में पहले कहां जाएगी, जब दोनों में जाएगी तभी की कह रहा हूं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं दोनों में जाएगी उस पक्ष में,
तो पहले किस में जाएगी? पहले प्रकृति में जाएगी ना, युक्ति है प्रकृति में ही जाएगी, विकृति में बाद में जाएगी, विकृति में बाद में जाएगी, पहले प्रकृति में जाएगी। और जैसे ही वो प्रकृति में गई, चोदक वचन पहले से बैठा हुआ है वहां पर, वो एकदम नीचे प्राप्त करा देगा, एकदम एक साथ प्राप्त करा देगा उनको, उसमें वहां देने की बात नहीं है। मां के पास कुछ पहुंचेगा तो बच्चों के पास तो जाएगा ही। तो हम पहले देंगे, हमें किसको देना चाहिए? मां को देना चाहिए, बच्चों को पहले देना चाहिए? तो पहले मां को, जब पहले से है कि भाई मां को दिया तो बच्चों को सबको मिल जाएगा, तो कैसे करना चाहिए? उस दिन उन्होंने पिंड खजूर बांटे। और उनके मन में भावना थी कि भाई हम एक एक को दें। कई बार वो रुपए देते हैं, इस बार वो पिंड खजूर लेके आए। तो मैंने कहा कि आप देंगे तो भी वो तो यहाँ गुरुकुल में तो इकट्ठा ही हो जाएगा और फिर यथा समय बढ़ता रहेगा। अलग अलग से तो इनको देंगे नहीं कि भाई वो अपने कमरे में अपने पास रखें, जिसको जो खाना है जब खाना है, ऐसा तो करते नहीं है। तो आपकी जैसी इच्छा हो कर लो, मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं थी। मैंने कहा आप एक एक को बांटोगे तब भी वही होगा, आपको जिसमें संतुष्टि मिले वैसा कर लो। तो बोले जी हम सबको बांटेंगे, तो बांट लो। वो तो समझे नहीं ना, वो तो समझे नहीं, वो समझे नहीं। तो उसमें प्रयत्न गौरव हुआ या नहीं? अब वो सारा इकट्ठा हुआ, इकट्ठा किया गया, इकट्ठा इकट्ठा रखा, ठीक है। उनके मन की संतुष्टि भावना, वो प्रयोजन वहां तो सिद्ध होता है, यहां तो उस वचन को कौन सी संतुष्टि होने वाली है? यहां तो कुछ है नहीं। उसमें प्रयत्न गौरव हुआ, उसकी जगह पे एक साथ दे दिया, प्रकृति में चला गया, प्रकृति से विकृति में चला गया। अब संभव ही नहीं है, जहां जिसकी प्राप्ति ही नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है, वहां क्यों जाएगा वो? जहां वो वैसे ही पहुंच गया है, प्रकृति से आके ही पहले से ही पहुंच गया, वहां वो क्यों आएगा? रमन जी, पृष्ठ संख्या 1001, इसमें हिंदी व्याख्या में पांचवें सूत्र की अंतिम से दूसरी पंक्ति, वह चोदक अनारभ्य विधि पात्र के प्रत्यक्ष होने से तद विहित चोदक वचन विहित को छोड़कर अन्य को प्राप्त करता है। तो जो कोष्ठक में चोदक वचन विहित ऐसा जो कहा है, इसकी जगह अनारभ्य विधि विहित ऐसा होना चाहिए। हाँ ठीक है, इसको कर लीजिए, चोदक की जगह अनारभ्य वचन विहित को छोड़ करके चोदक लगेगा, लिखने में गलत हो गया है। हाँ। हाँ। 1003। हाँ अप्राप्त, अपूर्व का मतलब है अप्राप्त, जो पहले से प्राप्त नहीं है। चोदनार्थ कार्स्न्यात् कृष्णम चोदक प्रापयति, सब कुछ को चोदक प्राप्त करा देता है। न अनारभ्य विधिना वैकृतम अपूर्वम निराकांक्षम, अनारभ्य विधि के द्वारा जो वैकृत का अपूर्व है वो निराकांक्ष नहीं किया गया। चोदक तो प्राप्त है ही, देखो अनारभ्य विधि विकृति में आ रही है, तो क्या उससे विकृति निराकांक्ष हो जाएगी? विकृति में प्रकृति से जो विषय आ रहे हैं, गुण आदि क्रियाएं जो भी आ रही हैं चोदक वचन से, वो किस क्यों आती है? क्योंकि विकृति साकांक्षा है, इति कर्तव्यता की आकांक्षा है। वहां पूरा वर्णन ही नहीं किया गया क्या है कैसे है, वो तो प्रकृति में किया गया। तो विकृति चूंकि साकांक्ष है इसलिए प्रकृति से उसको लेके आते हैं। इसको आप दूसरे ढंग से कहें अष्टाध्यायी के सूत्रों में कि जो हम अनुवृत्ति पीछे से लेकर के आते हैं, तो जो अगला सूत्र है वो साकांक्ष बना हुआ है, उसका अर्थ पूरा आ नहीं रहा है, इसलिए हम पीछे से शब्द उठा करके लाते हैं और उसको निराकांक्ष करते हैं। तो विकृति साकांक्ष है और चोदक वचन से वो निराकांक्ष होती है, और चोदक वचन सब कुछ को ले आता है। अब ये कह रहे हैं कि यदि चोदक अगर अनारभ्यतीत विधि चोदक से बलवती है, बलवान है, अनारभ्य विधि चोदक से बलवान है, इसलिए अनारभ्य विधि आएगी, ऐसा जो पूर्व पक्षी की तरफ से कथन हुआ था उसमें ये कह रहे हैं कि अनारभ्य विधि आकर के उसको पूरा निराकांक्ष नहीं कर सकती।
अनारभ्य विधि आएगी तो वो उतने से विषय में आएगी केवल, बाकी चीजें कहां से आएंगी? तो देखो, न अनारभ्य विधि ना वैकृतम अपूर्वम निराकांक्षम। अनारभ्य विधि के द्वारा वैकृत, विकृति में जो अपूर्व है, अप्राप्त है, वो सारा सारा न निराकांक्षम, वो निराकांक्ष नहीं हुआ है, सारा का सारा निराकांक्ष नहीं हुआ, यानी आकांक्षा फिर भी बच जाएगी, अपेक्षा फिर भी बच जाएगी, तो चोदक वचन तो फिर भी आएगा ही, तो जब आ ही रहा है तो उसी से हो जाएगा। आगे देखिए पृष्ठ संख्या 106, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का छठा पाद। पीछे जो हमने अधिकरण देखा था उसका ये अपवाद है, उससे अलग ढंग से बात को कह रहा है। शीर्षक है गोदोहन आदि नाम प्रकृति गामिताधिकरणम। गोदोहन आदि कुछ धर्म हैं पशु से जुड़े हुए, आगे बताएंगे, उनकी प्रकृति गामिता है, वो विकृति में नहीं आएंगे, प्रकृति में आएंगे। ये इस तरह के धर्म है, जैसे पीछे हमने उनको सीधा विकृति में लिया था, सप्तदश सामिधिनी जो थे, तो ये विकृति में प्रथम दृष्टि ये विकृति में जाने चाहिए थे, लेकिन कह रहे हैं ये प्रकृति में जाएंगे। भाष्य देखिए, दश पूर्ण मासयो आमनातम गोदोहे न पशु कामस्य प्रणयेत इति। जो पशु की कामना करता है वो गोदोहन के द्वारा प्रणयन करे, जल का प्रणयन करते हैं, जल को लेकर के जाते हैं, तो उसमें उस पात्र में जल को लेके जाते हैं जिसमें दूध को दुहा जाता है, वो गोदोहन पात्र है। गोदोहनेन का मतलब है जिसमें दूध दुहा जाता है उस पात्र में जल लेकर के फिर लेकर के लेके जाते हैं, सामान्य पात्र में नहीं। एक बात, दूसरा कहा अग्निशोमीय पशु श्रूयते यूपम प्रकृति। अग्निशोमीय पशु में यूप को के प्रकरण में ये कहा गया, बैलवो ब्रह्म वर्चस कामेन कर्तव्य। ये जो यूप है वो बिल्व का, बेल के वृक्ष का करना चाहिए, किसके लिए? जो ब्रह्म वर्चस की कामना करता हो। अपने जो लाठी रखने का भी विधान है उसमें अलग अलग काष्ठ की लाठी रखने के लिए ना, ब्राह्मण के लिए अलग, क्षत्रिय के अलग, वैश्य के लिए अलग, उसमें अलग अलग विधान है, लकड़ियों की अलग अलग, पेड़ की ऊंचाई भी अलग अलग, वो पहचान के लिए, और अलग अलग पेड़ की वहां पर विहित की गई है। तो जिसको ब्रह्मवर्चस्व की काम है वो बिल्व की लकड़ी को लेके करें। आगे एवं जातीय केशु संदेह, इस प्रकार के वचनों में संदेह होता है। देखो बेल का जो प्रयोग होता है ना, बेल का और उसके पत्तों का, वो मूत्र रोगों में भी किया जाता है, उसके पत्तों का रस और ये सब, और ये शिवलिंग पर भी ये तीन पत्तियां बेल की चढ़ाई जाती हैं, उससे भी आप उसका संबंध देख सकते हैं। तो कईयों को जैसे उष्णता हो जाती है, जलन आ रही है, तो उसमें सामान्य रूप से बता दे भी हैं कि बेल के पत्तों को पीस के रस निकाल के उसको पी लो या काढ़ा बना के पियो, वो सब प्रयोग किए जाते हैं। तो जो ये यानी मूत्रेंद्रिय जननेन्द्रिय से संबंधित ये औषधि वहां से जुड़ी हुई मान करके कि जिसको ब्रह्म वर्चस्व की कामना है तो उसको वहां की स्वस्थता और वहां का नियंत्रण चाहिए, वो होना चाहिए। तो काष्ठ है, काष्ठ को साथ में ले रखा है, उस वृक्ष को उसके साथ में जोड़ दिया, तो इसको ब्रह्मवर्चस्व से जोड़ते हुए, यानी ब्रह्मचर्य को ब्रह्मवर्चस्व से जोड़ते हुए, वीर्य रक्षा को ब्रह्मवर्चस्व से जोड़ते हुए, कहीं हम इससे परोक्ष रूप से संगति देख सकते हैं। तो एवं जातीय को शु संदेह, किम प्रकृतो निवेशो विकृतो वा इति। इसका निवेश इन दोनों बातों का, इसमें यानी गोदोहन पात्र का और बिल्व इस वृक्ष का, प्रकृति में या विकृति में कहां निवेश होगा, किम प्राप्तम। तो पूर्व पक्षी कहता है विकृतो रीति, विकृति में, क्यों? प्रकृति अन्येन पात्रेण यूपेन च निराकांक्षा, क्योंकि जो प्रकृति थी उसमें पात्र, वो भिन्न पात्र वहां पर कह दिया गया है, और यूप भी भिन्न काष्ठ का कह दिया गया है, तो इसलिए अब ये प्रकृति में नहीं जाएंगे। पीछे जो पंचदश था, पंचदश संख्या प्रकृति में थी, तो अब सप्तदश संख्या प्रकृति में नहीं जाएगी, वो विकृति में जाएगी। और तो उसी शैली से बोले, प्रकृति तो निराकांक्ष थी, वहां ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, तो जहां आकांक्षा है वहीं यानी विकृति में ही जाएगी। ये पूर्व अधिकरण के अनुसार तो ये प्राप्त हो रहा था, उसके ऊपर एवं प्राप्ते पूर्वा सिद्धांती बोल रहा है। नैमित्तिकम तो प्रकृतौ तत्विकार संयोग विशेषात, बोले ये जो कथन किया गया ये नैमित्तिक है,
निमित्त विशेष से किया गया है। निमित्त विशेष क्या हुआ, जैसे कहा पशु कामस्य, नीचे कहा ब्रह्म वर्चस्व कामेना, ये निमित्त है, जिसको इसकी इच्छा हो वो ऐसा करे, इन निमित्तों के होने पर ये करे, ये निमित्त की भिन्नता है। नैमित्तिकम तो प्रकृत, नैमित्तिक है तो तद विकार है संयोग विशेषात, ये प्रकृति में जाएगा क्योंकि ये उसका विकार होते हुए भी इसके साथ में एक संयोग विशेष को जोड़ दिया गया है, क्योंकि कामना ये जो है ना नैमित्तिक निमित्त यहां पर, यानी कामना का संयोग विशेष होने से ये वहां पर प्रकृति में भी जाएगा, क्योंकि प्रकृति में भी जो लिखा हुआ है, यदि उस प्रकृति को करता हुआ कोई व्यक्ति पशु की कामना वाला है तो उसको ये करना चाहिए, गोदोहन में प्रणयन करना चाहिए, ब्रह्मवृक्ष की कामना वाला है तो बिल्व का यूप बनाना चाहिए, ये वहां पर जोड़ दिया गया, इसलिए वहां जाना चाहिए प्रकृति में। तो प्रकृत नैमित्तिकम निविशते, प्रकृति में नैमित्तिक निवेश करता है। देखिए पीछे वाला जो था ना सप्तदश सामी देने वाला, वो वहां कोई निमित्त नहीं कहा गया है, वो सामान्य रूप से सप्तदश कहा गया है, तो 15 तो प्राप्त था ही, तो 17 और कहीं जाएगा। अब ये निमित्त विशेष है तो निमित्त विशेष तो प्रकृति में भी हो सकता है, वहां भी इस कामना वाला कोई हो सकता है, इसलिए ये प्रकृति में जाएगा और विकृति में तो अपने आप आ ही जाएगा। तो प्रकृत नैमित्तिकम निविशते, निमित्त संयोग है ना विधानात्, क्योंकि इसका विधान निमित्त को कथन पूर्वक किया गया है। खादिर पालाश रोहितकः अविशेषेण उक्तः, वहां पर प्रकृति में खदिर के, खदिर वृक्ष, पलाश और रोहितक, रोहिड़ा, उसके यूप तो वहां कही गए हैं अविशेष रूप से कि भाई इन इनकी ले सकते हो आप, और चमसश्च और चमसों के बारे में भी कह दिया गया है वहां पर सामान्य रूप से। गोदोहनम बैल्वश्च विशेष विहित, गोदोहन ये पात्र और बैल्व, बिल्व काष्ठ, ये विशेष रूप से यहां पर विशेष के लिए कहा गया है। विशेष विधिना च अविशेष विधिर बाध्यते, और विशेष विधि से अविशेष विधि बाधित होती ही है। प्रकरणम, और इसमें बलवत्ता में कह रहे हैं प्रकरणम सामान्यम, प्रकरण यहां प्रकृति में जो कथन किया गया है वो तो सामान्य रूप से है, सब जगह लगने लगेगा। और निमित्त संयोगो विशेषः, प्रकरण में जब निमित्त जुड़ जाएगा तो ये विशेष कहलाता है, अब ये प्रकरण सामान्य नहीं रहा। सामान्य ने यत प्राप्नोति तत् परोक्षम लक्षणया, सामान्य से यानी प्रकरण से जो प्राप्त होता है, सामान्य रूप से प्रकरण में मतलब सभी निमित्तों में वो पात्र और वो काष्ठ प्राप्त हो रहे हैं, सभी निमित्तों में, इन सामान्य रूप से कहा तो सभी निमित्तों में, तो तत्परोक्षम लक्षणया, लक्षणया वो तो परोक्ष रूप से उन निमित्तों में प्राप्त होगा, यानी जिसको पशु की कामना है या ब्रह्मवर्चस्व की कामना है उसको भी प्रकृति में कहे गए पात्र और काष्ठ मिल सकते हैं, क्योंकि सभी कामनाओं में है तो इस सामान्य कामना में भी आएगा, इस कामना के लिए भी प्राप्त होगा, लेकिन इस कामना के लिए प्राप्त होगा सामान्य रूप से, विशेष कथन नहीं है, परोक्ष दृष्टि से प्राप्त होगा। तो तत्परोक्षम लक्षणया, और यत्तु विशेषेण तत्प्रत्यक्षम श्रुत्या, यहां जो ये अनारभ्या ये जो कहा गया गोदोहनेन पशु काम से इत्यादि वचन, ये तो विशेष कथन है, ये प्रत्यक्ष और श्रुति से है। श्रुतिश्च लक्षणाया बलियसी, प्रत्यक्षम च परोक्षा, तो श्रुति लक्षणा से बलवती होती है और प्रत्यक्ष परोक्ष से बलवान होता है। तस्मात् प्रकृतौ एव स्यात्, इसलिए इनका निवेश प्रकृति में ही होवे। तो गोदोहनादीना प्रकृति गामिताधिकरण, ये अपवाद का भी अपवाद हो गया, प्रकृति तो पीछे कह ही दी गई थी, अब उसके भी अपवाद का अपवाद हो गया। अब देखिए यहां पर जो ये हमारे उदाहरण है कि ये अनारभ्यादीत विधि, आप जो पूछ रहे थे कि ये प्रकृति में क्यों, प्रकृति विकृति दोनों में चली जाए, तो ये जो अपवाद है यहां अंतर हमें पता लगेगा कि जिस पीछे जैसे सप्तदश सामिधेनी है, यदि वो प्रकृति में भी चली जाएगी, प्रकृति और विकृति दोनों में जाएगी, अनारभ्यादीत विधि सब जगह प्रकृति विकृति में जाएगी, तो प्रकृति में विकल्प प्राप्त होने लगेगा, वो दोष आ जाएगा। और अपवाद के अनुसार अगर हम चले तो कि वो निराकांक्ष है प्रकृति में, तो विकृति में जाएगा, केवल विकृति में जाएगा, ये जो अपवाद था ऐसा होगा तो फिर यहां दोष आएगा कि जो प्रकृति में अगर इस कामना वाला होगा तो वो नहीं कर पाएगा, उसको भी अवसर होना चाहिए कि अगर उसकी ये कामना है तो इन इन पात्रों का, इन इन काष्ठों का प्रयोग करे, इस काष्ठ का प्रयोग करे, तो वहां प्रकृति में भी प्राप्त करा रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए चौथा अधिकरण, आधानस्य पवमानेष्ट्यनंगताधिकरणम्, आधानस्य पवमानेष्ट्यनंगताधिकरणम्, तो आधान की, पवमानेष्ट की अनंगता का अधिकरण है,
अर्थात एक तो क्रिया है आधान, अग्नि आधान जो करते हैं हम प्रारंभ करते हैं, और पौमानेष्टि कही गई है। तो आधान पौमानेष्टि का अंग नहीं है, आधान पौमानेष्टि का अंग नहीं है, इसको पौमानेष्टि न्याय कहते हैं। पौमानेष्टि न्याय दो बातें हो सकती हैं। प्रथम दृष्टया क्या हमें प्रतीत होगा कि पौमानेष्टि किसमें की जा रही है, अग्नि में की जाएगी, और अग्नि कब मिलेगी, जब उसका आधान होगा। तो अग्नि के लिए हमें आधान करना जरूरी है, आधान करके अग्नि प्राप्त होगी और फिर अग्नि में पौमानेष्टि की जाएगी, इसलिए आधान हुआ अग्नि के लिए और अग्नि हुई पौमानेष्टि के लिए। इस दृष्टि से आधान किसका अंग बन जाएगा, पौमानेष्टि का अंग बनना चाहिए, क्योंकि जो दूसरे के लिए होता है वो अंग कहलाता है, जिसके लिए होता है वो प्रधान है, अंगी है। तो इस दृष्टि से आधान पौमानेष्टि का अंग बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, पर सिद्धांती ने यह कहा कि आधान पौमानेष्टि का अंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो तो चर्चा चलेगी अभी। तो संति पौमानिष्ठ, पौमानिष्ठियों का कथन मिलता है। अग्नये पवमानाय अष्टाकपालम निर्वपेत, अग्नये पावकाय अग्नये शुचये। तो पावक पवमान अग्नि के लिए अष्टाकपाल का निर्वाप करे पुरुडाश का, और पावक अग्नि के लिए भी और शुचि अग्नि के लिए भी, अग्नि के ही तीन भेद किए गए, ये पवमानिष्ठियां हैं। तासाम प्रकरणे समामनातम, उनके प्रकरण में ये कहा गया, प्रकरण कर लीजिए इसको, इनके उनके प्रकरण में ये वचन मिलता है, पौमानेष्टि के प्रकरण में ये वचन मिलता है। क्या? ब्राह्मणो वसंते अग्निम आददित, ब्राह्मण वसंत ऋतु में अग्नि का आधान करे, ये तो ब्राह्मण के लिए है, और राजन्य के लिए ग्रीष्म में है, और वैश्य के लिए शरद ऋतु में है, ये क्रम है इनका। लेकिन यहां इन्होंने एक ब्राह्मण का लेख करके कथन किया है। तो तत्र संदेह किम अग्न्याधेयम पवमानेष्ट्यर्थम उतनाई थी, ये जो अग्न्याधान है ये पवमानेष्टि के लिए है या नहीं है। पवमानेष्टि के लिए होगा तो ये पवमानेष्टि का अंग होगा, पवमानेष्टि के लिए नहीं है तो पवमानेष्टि का अंग नहीं बनेगा। तो पूर्व पक्षी कहता है ग्यारहवें सूत्र में इष्ट्यर्थम अग्न्याधेयम प्रकरणात्, बोले प्रकरण से पता लगता है कि ये इष्टि के लिए है, ये अग्न्याध्यान जो है ये इष्टि के लिए है, इससे ये उसका अंग कहलाएगा, इष्टि के लिए है। तो इष्ट्यर्थम इति ये इसका प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा कुतः, हेतु दे रहे हैं प्रकरणात्, प्रकरणात् ये हेतु है। इसके प्रकरणात् के बाद में पूर्ण विराम लगा लीजिए, तासाम के बाद जो पूर्ण विराम है वो वहां से हटेगा, वहां से हटके यहां ले लीजिए, प्रकरणात् ये हेतु हो गया पूर्ण विराम। क्यों? तासम प्रकरणे श्रूयते, उन इष्टियों के प्रकरण में ये आधान सुना जाता है, पवमान आदि इष्टियों के प्रकरण में आधान का कथन किया गया है। अतस्तदर्थम, ये इसलिए है, उस उनके लिए है, जिस इष्टि का क्रम चल रहा है और उसमें कोई बात कही गई तो उस इष्टि के लिए ही तो होगी। तो इष्ट्यर्थम अग्नादेयम प्रकरणात्, इष्टि का प्रकरण होने से। इसके उत्तर में सिद्धांति कहता है न वा तासाम तदर्थत्वात्, बोले नहीं ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि तो तासाम का मतलब है इष्टि नाम, इष्टियों का तदर्थत्वात्, अग्नियाधान के लिए होने से। ये जो इष्टियां हैं ये अग्नियाधान के लिए हैं। आगे अग्नियाधान से मतलब अग्नियाधान से प्राप्त जो अग्नि है उसके लिए ये पौमानेष्टियां हैं। भाष्य देखिए, पौमानेष्टयो ही अग्न्यर्था, पौमानेष्टियां अग्नि के लिए होती हैं, वो अग्नि को पवित्र करने के लिए होती है ताकि उसमें आगे के कर्म किए जाएं। अग्नि पौमानेष्टि के लिए नहीं होती है, पौमानेष्टियां अग्नि के लिए होती हैं, अग्नि को पवित्र करने के लिए होती हैं ताकि उसमें अन्य याग आदि इष्टियां की जा सकें। तो पौमानेष्ट ही अग्न्यर्था, यदि अग्नि ही इष्ट्यर्थ स्यात् तदर्थम अग्न्याधेयम इष्टि नाम उपकुर्यात्। अभ्युपगम से बोल रहे हैं यदि अग्नि इष्टि के लिए होवे होती तो ततस तदर्थम, तो अग्नि के लिए जो अग्न्याधान होगा वो इष्टियों का उपकार करने वाला हो सकता था। यदि अग्नि इष्टियों के लिए होती
तो अग्नियाधान भी इष्टि के लिए माना जा सकता था, क्योंकि अग्नियाधान अग्नि के लिए है ये तो स्पष्ट ही है, अग्नि को प्राप्त करने के लिए ही अग्नियाधान किया जाता है। तो यदि अग्नि इष्टि के लिए होगी तब तो अग्नियाधान भी इष्टि के लिए हो सकता था, लेकिन ऐसा है नहीं। निष्फलास्तु इष्टया, ये जो इष्टियां हैं इनका तो कोई फल ही नहीं है। और यदि हम ये माने कि अग्नियाधान अग्नि के लिए और अग्नि इष्टियों के लिए है, तो इसके आगे इष्टियों का फल क्या है? पवमान इष्टियों का, इनका स्वतंत्र कोई फल ही नहीं कहा गया है, तो वो निरर्थक हो जाएगा, अग्नियाधान भी निरर्थक हो जाएगा। तो निष्फलास्तु इष्ट है, इष्टियां तो निष्फल हैं, तदर्थम अग्नियाधेयम अपनी निष्फलम स्यात्, तो उस इष्टियों के लिए किया गया अग्नियाधान भी निष्फल निरर्थक हो जाएगा। पूर्व पक्षी, कथम पुनः अग्न्यर्थता पवमान इष्टिनामिति, तो बोले अग्नि के लिए पवमान इष्टियां क्यों हैं? तो सिद्धांति कह रहा है निष्प्रयोजनत्वादेव, इसी निष्प्रयोजन हेतु से, अगर अग्नि पवमान इष्टियों के लिए होगी तो वो निरर्थक हो जाएंगी, निष्प्रयोजन हो जाएंगी। इनकी प्रयोजनता कब सिद्ध होगी? कि पवमान इष्टियां अग्नि के लिए हैं और वो अग्नि अन्य यागों के लिए और उन यागों का फल है, उसके लिए हो जाएंगे। तो निष्प्रयोजनत्वादेव प्रयोजनवत्वाच अग्नि नाम, अग्नि तो प्रयोजन वाली है क्योंकि वो अन्य यागों के लिए हैं और उन यागों के फल हैं। जो प्रयोजन वाला होता है उसके लिए दूसरे होते हैं, जो प्रयोजन वाला होता है उसके लिए दूसरे होते हैं, जो निष्प्रयोजन होता है उसके लिए दूसरे नहीं होते। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजन से प्रयासरत है, देश में धर्म के बारे में कुछ करना चाहता है, सब प्रयोजन है, तब तो उससे जुड़ जाएंगे लोग बाग। लेकिन जिसका अपना ही प्रयोजन नहीं है उसके साथ नहीं जुड़ सकते, वो निष्प्रयोजन, उल्टा करना पड़ेगा। वो निष्प्रयोजन है तो वो दूसरे के साथ में जुड़ेगा, उसको दूसरे के साथ जुड़ जाना चाहिए जिसका अपना कोई प्रयोजन है। उसके प्रयोजन को ही हम अपना प्रयोजन बना लेते हैं, हम उसका समर्थन करेंगे तो हमारा प्रयत्न सार्थक होगा। निष्प्रयोजन के पीछे लगने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आगे भावई तव्यापि इष्टयो भूतानाम अग्निनाम अर्थेन क्रियरन, भावई तव्यापि इष्ट है, ये इष्टियां आगे होने वाली हैं, ये इष्टियां होंगी तो उसी अग्नि में जिसका अग्निधान किया है हमने, आधान के बाद जो अग्नि प्राप्त है उसी में ये पवमान इष्टियां होंगी। तो इष्टियां तो हैं भावई तव्या, भविष्य में होने वाली हैं, की जाने वाली हैं। भूतानाम अग्नि नाम अर्थे न क्रियन, पहले जो अग्नि थी उसके लिए की जा रही है। सामान्यता क्या होता है, जो पहले वाला होता है वो बाद वाले के लिए होता है, जो भूत होता है वो भव्य के लिए होता है, जो हो चुका है वो दूसरे के लिए होता है। खेत जुत चुका है तो फसल के लिए है, फसल खेत के लिए नहीं है। जो पहले होता है वो दूसरे के लिए होता है, बाद वाले के लिए होता है। इस विषय में आप देखिए पीछे पृष्ठ संख्या 921। पर दूसरा अनुच्छेद पहली पंक्ति के अंत से, भूत भव्य समुच्चारणे भूतम भव्याय उपदिश्यते इति। भूत और भविष्य का अगर कथन एक साथ हो तो कौन किसके लिए माना जाएगा? भूत भविष्य के लिए माना जाएगा, जो पहले है वो दूसरे के लिए। मिट्टी घड़े के लिए, घड़ा मिट्टी के लिए नहीं है। भूत है मिट्टी, पहले से है, भव्य है होने वाला है घड़ा, तो मिट्टी घड़े के लिए, घड़ा मिट्टी के लिए नहीं है, एक सामान्य नियम कहा जाता है। उसके विपरीत यहां पर कथन किया जा रहा है। ये जो अभी हम देख रहे हैं 1008 के ऊपर, यहां ये दूसरे ढंग से कथन है कि इष्टियां यद्यपि भव्य हैं, तो प्रथम दृष्टिया जो हमारे को लग रहा था कि अग्नियाधान अग्नि है और अग्नि में इष्टियां हैं, तो इसलिए अग्नि या अग्नियाधान बहुमान इष्टियों के लिए है भूत भव्यता के आधार पर, लेकिन यहां पर उल्टा है, क्योंकि वो निष्प्रयोजन हो जाएंगी, निष्प्रयोजन होने से उल्टा भी हो जाता है। भावई तव्यापि इष्टयो भूतानाम अग्निनाम अर्थेन क्रियरन, तस्मात अग्न्याधेयम् न पवमानिष्ट्यर्थम्, इसलिए अग्न्याधान पवमानिष्टि के लिए नहीं है। देखिए इसमें मुख्य एकदम उलट क्यों दिया है, निष्प्रयोजनता के कारण से निरर्थक हो जाएगा। आप उसको उसके लिए, उसको उसके लिए, बोले उसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं, व्यर्थ है, नहीं जाना है उसको, तो वो दूसरे के लिए हो जाएगा। आगे पुष्टि के लिए और कह रहा है सिद्धांती 13वां सूत्र लिंग दर्शनाच, और यहां पर लिंग का भी दर्शन होता है, इससे पता लग जाता है, हमारे को संकेत मिलता है। तो लिंगम दर्शयति क्या, यथा अग्न्यर्था पवमानिष्ट है, ये पवमानिष्टियां अग्नि के लिए है उसका संकेत कर रहे हैं।
किम लिंगम, तो जीर्यति वा एष आहित पशुर यद अग्नि, जो पशु से संबंधित अग्नि है, आहित अग्नि है, ये जीर्ण हो जाती है, क्षीण हो जाती है। तदेव तद एता एतानि एव अग्न्याधेयस्य हवींषी संवत्सरे, संवत्सरे है संवत्सरे निर्वपेत, तो इन्हीं अग्नियों के लिए हवियों में, हवियों को एक संवत्सर में निर्वाप करे, उनको फिर से आहुति दे करके चेतन करे। इन अग्नियों की, ये जो अग्न्याधेय है, अग्नि है, इसी की हवियों का प्रतिवर्ष निर्वाप करे, यानी उसको दे। तेन वा एष न जीर्यति, उससे ये जीर्ण नहीं होते हैं। तेन एवं पुनर नवम करोति, इससे वो उसको फिर से नया कर देता है, वो अग्नि का संस्कार कर रहा है, नया कर रहा है उसको। तन्न सूर्क्षम, ये जो है ये उसका, इसका तन्न सूक्ष्म, वो जो अग्नि है जिसका आदान किया उसका अनादर ना करें, यानी उसको बार बार ताजा करता रहे। जैसे अपने यहां पर कई बार अग्नि है, अग्नि याग के लिए, आहुतियों के लिए है, और जो बाद में हो जाता है याग और फिर धुआं सा निकलने लगता है तब जो आहुतियां दी जाती हैं, अब वहां पर कौन किसके लिए है, अग्नि उस घृत के लिए है या वो घृत अग्नि के लिए है? शुरुआत में जो हम आहुतियां देते हैं अग्निदान के बाद में, वहां तो वो अग्नि किसके लिए है, आहुतियों के लिए। लेकिन अब हम धुआं ना हो और कोई समस्या ना हो उसके लिए जो बाद में अतिरिक्त डाल देते हैं, अब ये नहीं कह सकते कि अग्नि इसके लिए है, वो घी उसके लिए हो गया है उस प्रयोजन के लिए। तो ये इष्टियां भी इस अग्नि को क्षीण न होने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए है, इसलिए ये अग्नि के लिए है। इस प्रकार आधानस्य पवमानिष्ट अनंगताधिकरण, आधान पवमानिष्टियों का अंग नहीं होगा। आगे देखिए, आधानस्य सर्वार्थताधिकरणम, अब आधान का विधान किया गया वो किसके लिए होगा, प्रकृति के लिए होगा या केवल विकृति के लिए होगा, केवल प्रकृति के लिए या सबके लिए होगा, तो इनका निर्णय है कि आधान जो है सबके लिए है। तदेतत् आधानम किम प्रकृत्यर्थम उत सर्वकर्मार्थम इति संदेह किम प्राप्तम उच्यते, पूर्व पक्षी कह रहा है तत्प्रकृत्यर्थम यथा अन्य अनारभ्यवादाः, जैसे अन्य अनारभ्यवाद थे, आपने जो सबसे पहला जो लिया था प्रकृति, उनका प्रकृतिगामित्व कहा था, तो ये भी बस प्रकृति के लिए हो जाएगा और विकृतियों में अपने आप चला जाएगा। तो तत्प्रकृत्यर्थम कथम यथा अन्य अनारभ्यवाद प्रकृत्यर्था तेनैव हेतुना, उसी हेतु से, अब ये उसका अपवाद है। क्यों? तो 15वां सूत्र देखिए, सिद्धांती कह रहा है सर्वार्थम वा आधानस्य स्वकालत्वात्, ये जो आधान है ये सबके लिए होगा। क्यों? स्वकालत्वात्, इनके कर्मों के अपना अपना काल होने के कारण से, इस अलग अलग जो कर्म होते हैं, नहीं, स्वकालत्वाद का मतलब आधान का अपना काल अलग से कहा गया होने से, आधान का काल अलग से कहा गया होने से। ये जो पीछे हमने देखा था ब्राह्मणो वसंते अग्निम आदधीता, ब्राह्मणो वसंते अग्निम आदधीता, वसंत ऋतु में, तो ब्राह्मण अग्नि का आधान करे उसके साथ में ये जो वसंत ऋतु कह दी गई है, इससे ये पता लगता है ये सबके लिए, केवल प्रकृति के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, वो हेतु सिद्धांति अभी बताएगा। तो सिद्धांत का सर्वकर्मार्थम व आधानम, आधान सभी कर्मों के लिए, को अर्थ है, इसका मतलब क्या है, तो सर्वकर्मार्थम यद अग्नि द्रव्यम तदर्थम आधानम न प्रकृत्यर्थम, सब कर्मों के लिए जो अग्नि है उसके लिए ये आधान है, न कि केवल प्रकृति के लिए। क्यों ऐसा, तो प्रकृति ही प्रकृत्य श्रूयते, अब यहां पर न को जोड़ लीजिए, प्रकृति ही से पहले न जोड़ लीजिए, छूट गया है, युधिष्ठिर जी ने अर्थ में नहीं लिखा है, न इसका अर्थ लिखा है नहीं, ये प्रकृतियों का आरंभ करके आधान नहीं सुना जाता है ये, तो न प्रकृति ही प्रकृत्य, प्रकृति ही ये जो है द्वितीय विभक्ति का बहुवचन है, प्रकृतियों को प्रकृत्य लेकर के आधानम न श्रूयते, आधान नहीं सुना जाता है। न च श्रुत्यादयो अस्य संति, और इसके आधान के विषय में कोई अलग से श्रुति भी नहीं है कि भाई ये करना चाहिए। ये अंग भावम उपपादयंती, अगर श्रुति होती तो उससे अंग भाव का पता लग जाता कि ये इसका अंग है।
अन्येषु अनारभ्यवादेषु अन्यतो निर्जाते अंगभावे ततो विचारः। जो अन्य अनारंभ्य विधियां थी उनमें तो अन्य जगह से अंगभाव की प्राप्ति हो चुकी थी, तब ये विचार किया जाता था कि किम प्रकृते अंगभूतानि विकृते रीति, ये प्रकृति का अंग होंगे विकृति का अंग होंगे। ये वहां कब विचार किया जाता था कि अनारभ्यतीत विधि होते हुए भी उनका अंगभाव वहां प्राप्त हो रहा था, लेकिन इसका कोई अंगभाव किसी वचन से प्राप्त नहीं हो रहा है, ये भेद है। तस्मात् तेषु युक्तम, तो वो जो अन्य विधियां जो प्रकृति में चली जाती थी उनके लिए तो ये संगत था। यह तो अंगभावे न कारणम अस्ति, यहां पर अंगभाव रूप जो श्रुति जो है जो अंगभाव को बताती है वो है ही नहीं, इसलिए वो कारण यहां नहीं है। तस्मात् अग्नि प्रयुक्तम आधानम न कर्म प्रयुक्तम, ये जो आधान है यह अग्नि से प्रयुक्त है, यानी अग्नि इसका प्रयोजक है, अग्नि चाहिए इसलिए आधान है, न कर्म प्रयुक्तम, कर्म करना है इसलिए आधान है, ऐसा नहीं है। आधान को यदि कर्म से जोड़ा जाता, ज्योतिष्टोम आदि दशपूर्ण मास आदि कर्मों से जोड़ा जाता तब तो उसका अंग होता और तो वो प्रकृति में चली जाती, लेकिन आधान का संबंध केवल अग्नि से है, कर्मों से नहीं जोड़ा गया है, उसके कर्मों की अंगता का कोई कथन नहीं मिलता है, इसलिए ये प्रकृति में नहीं जाएगी। तो क्या होगा फिर, सर्वकर्मार्था अग्नय इति सर्वार्थम इत्युच्यते, क्योंकि अग्नियां सबके लिए हैं, सब कर्मों के लिए हैं, इसलिए आधान भी सभी के लिए लागू हो जाएगा। अग्नि चूंकि सब कर्मों के लिए इसलिए आधान भी सबके लिए जाएगा। अपि च अस्य स्वतः कालो विधीयते न स विधातव्य, बोले इसका अपना काल भी कहा गया है, ब्राह्मणो वसंते अग्निन आदधीत, ग्रीष्मे राजन्य है, शरदि वैश्य, ये जो आधान का अलग से काल कहा गया है ये विधान नहीं किया जाता यदि ये प्रकृति अर्थ होता। तो अगर ये आधान प्रकृति के लिए ही होता तो प्रकृति प्रकृत कर्म को करने के लिए काल का विधान वहां अलग अलग किया गया है तो वो आधान भी उसी काल वाला हो जाता। यदि ये आधान प्रकृति से जुड़ा हुआ होता तो प्रकृति के तो अपने अपने काल कहे गए हैं, ये इस काल में करना चाहिए, ये इस काल में करना चाहिए, तो आधान का काल भी स्वतः ही प्राप्त हो जाता, उसके लिए अलग से काल का विधान करने की जरूरत नहीं थी। पर चूंकि अलग से काल का विधान किया गया है इससे पता लगता है कि प्रकृति में नहीं जा रहे हैं, इसलिए कहा। अपि च अस्य स्वतः कालो विधीयते वसंतादि न सब विधातव्य है, यदि प्रकृत्यर्थ होता तो। अब वो कैसे होगा, कैसे होता, तो उसके लिए कह रहे हैं यदा ज्योतिष्टोमस्य प्रयोगः तदा इदम् कर्तव्यम्। ज्योतिष्टोम को का जब प्रयोग करना होता, आधान कर रहे हैं अग्नि के लिए, अग्नि में ज्योतिष्टोम करेंगे तो जब ज्योतिष्टोम किया जाएगा तभी तो आधान किया जाएगा। तथा स तथा च वसंत, क्योंकि ज्योतिष्टोम वसंत ऋतु में ही होता है तो अग्नि आधान भी वसंत ऋतु में ही हो जाता, और वो वसंत ऋतु में हो जाता तो सबके लिए होता, ये ब्राह्मण के लिए वसंत में, क्षत्रिय के लिए ग्रीष्म में, वसंत शरद वाला वैश्य के लिए, ये सब कहने की जरूरत नहीं थी। दूसरा एवं यदा दशपूर्ण मास योग प्रयोग है तथा कर्तव्य, जब दशपूर्ण मास का प्रयोग करना होता तब उसका आधान हो जाता, वही कब हो जाता, तथा पूर्णमासी अमावस्या व पूर्णमासी अमावस्या में हो जाता, फिर ये जो वसंत ग्रीष्म और शरद का विधान किया गया उसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। अप्रकृत्यर्थं तु न प्रकृति प्रयोगे क्रियेता, अगर ये प्रकृति के लिए नहीं हो आधान तब तो प्रकृति के अनुसार इनका आधान नहीं किया जा सकता। तत्र काल वचनम युक्तम, तभी ये काल का वचन यहां संगत होगा। तस्मात् न प्रकृत्यर्थम, इसलिए ये प्रकृति के लिए नहीं है। आधानस्य सर्वार्थता अधिकरणम, ये सबके लिए है, काल का विधान होने से ये एक विशेष हेतु बन जाएगा। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणव तो नहीं हो सभी को सादर अभिवादन। ओम।